नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस एपिसोड में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी हुआ था, लेकिन बहुत बातें थी बीच में करने वाली, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पोटोहार रीजन की ट्रेनिंग स्केड्यूल सामने आ गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो बैंक में आप पासपोर्ट जमा करवाते हैं तो उस पर आपको रिसिप्ट किस तरह की मिलनी चाहिए और कौन सी रिसिप्ट होगी, वो मैं आपके पास एक सैम्पल शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नाज़रीन, एक सर्कुलर जारी हुआ था 11 अप्रैल 2023 को, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये फोकल पर्सन्स के फ़ोन नंबर्स हैं जो आपको एयरपोर्ट्स पर असिस्ट करेंगे, या आपको जमजम से रिलेटेड कोई भी इशू होता है वापसी पर, रिटर्न पर, अगर आपको जमजम कलेक्ट करना है तो ये फोकल पर्सन्स हैं। चारों एयरलाइंस के, PIA के, सेरिनियर के, एयर ब्लू के और सऊदी एयरलाइन के, साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी का भी नंबर आपके सामने आ रहा है और डायरेक्ट्रेट्स ऑफ हज के फोकल पर्सन्स हैं, उनके नंबर्स भी आपके सामने आ रहे हैं। तो जो आपको फ़्लाइट स्केड्यूल मिलता है उससे रेलिवेंट आपने फ़ोन नंबर अपने पास सेव कर लेना है, और जमजम से रिलेटेड आपने अगर कोई इशू होता है तो इन फोकस पर्सन से आपने रابطہ करना है। दूसरा ये कि दोस्तों, मेरी ये आपको एडवाइस है कि आपको जो ऑफिशियली जमजम मिलता है उस जमजम पे ही इक्तफा करें और अपने बैग में भर भर के ना लाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपका सामान खोल दिया जाएगा और आपको काफ़ी दुश्वारी का सामना हो सकता है। आप जब सामान खुला हुआ देखेंगे आपका खून खोल जाएगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो बॉटल आपको मिलेगी जमजम की एयरपोर्ट पर, उसी पर इक्तफा करें। दूसरा ये कि जो पोटोहार रीजन है इसका भी ट्रेनिंग स्केड्यूल शेड्यूल आ गया है, वो आपके सामने शो हो रहा है। अपने अपने एरियाज़ के आपको वेन्यू डिटेल्स इसमें आ रही हैं, साथ टाइमिंग का भी इसमें मेंशन किया गया है और किस डेट को आपके एरिया में ट्रेनिंग सेशन होगा वो भी इसमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अपने अपने एरियाज़ के मार्क करके अपने पास नोट डाउन कर लें, और ट्रेनिंग हाईली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर ट्रेनिंग में जाएँ और हज की तैयारी करें। पिछली वीडियो में मैं साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध का शेड्यूल पहले ही शेयर कर चुका हूँ, उन इलाकों के लोग उस वीडियो को देखें और अपने ट्रेनिंग सेशंस को मार्क करके और ट्रेनिंग्स अटेंड करें। दोस्तों, आपको पासपोर्ट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट स्लिप नज़र आ रही है, ये वसूली स्लिप है। इस तरह की आपको स्लिप बैंक से इशू होगी जब आप पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।